नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई की प्रख्यात कार्मल क्लासेस में। हमारे साथ यहां क्लासेस के जो चीफ है शिबू सर, शिबू नायर सर, वो हमारे साथ है। ये कार्मल क्लासेस ने इस समय 30 साल अपने पूरे किए। 1994 में सिर्फ 12 स्टूडेंट से शुरुआत की और आज 2024 में इनके पास इस क्लासेस में 2500 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो 30 साल का शिबू सर का कैसा सफ़र रहा, ये है जानने हम आज आए हैं। और शिबू सर, इनको शायद आप सभी लोग जानते हैं, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिबू सर जहाँ एक तरफ कार्मल क्लासेस के चीफ है, इसको खड़ा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ आज के समय में काफ़ी प्रख्यात है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और कई सेमिनार में, बड़े बड़े सेमिनार में ये स्पीकर के तौर पर वहाँ बोलते हैं। तो इनका चेहरा कोई छुपा हुआ नहीं है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी शिबू सर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इनसे इनका सफ़र कैसा उसके बारे में हम जानेंगे। शिबू सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि 12 स्टूडेंट से आपने शुरू किया, जैसा हम जानकारी में आपने बताया, और आज 2500 स्टूडेंट हो गए। 30 साल का सफ़र आपका कैसा रहा? हम लोग 1994 में क्लासेस शुरू किया था, मैं टीबी कॉलेज में लेक्चरर था वो टाइम पे, और 12 स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट था। और मुझे अभी भी याद है 600 रुपया था पूरा साल का, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ उसका मंथली फीस था। सो 12 स्टूडेंट्स से हम लोग शुरू किया, लेकिन अगले साल वो 40-45 स्टूडेंट्स हो गया। फिर हम लोग दो सब्जेक्ट्स ऐड किया उसके साथ, कॉमर्स का स्टूडेंट्स था तो उसको चाहिए था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, सो दो टीचर्स और हमारे साथ आया, और हम लोग तीन सब्जेक्ट्स का क्लासेस शुरू किया तभी। उसके बाद फिर वो क्लासेस बढ़ा, अबाउट 2002 तक हो गया, तभी क्लासेस में अबाउट 400 स्टूडेंट्स का आसपास हो गया। सो मैं कॉलेज का जॉब रिसाइन किया और पूरा टाइम क्लासेस में कॉन्सेंट्रेट किया। उधर से हम लोग स्कूल सेक्शन शुरू किया, साइंस शुरू किया, कॉमर्स शुरू किया, अच्छी तरह से बच्चे लोग को सिखाया, अच्छा संभाला, तो बच्चे लोग और पेरेंट्स दूसरे बच्चे लोग को बताया अच्छा सिखा रहा हूँ। और आज 30 साल हो रहे हैं, आज 2500 का ऊपर स्टूडेंट्स है क्लासेस में, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारा बच्चे लोग हमारे पास जो पढ़ाई करके गया वो देश विदेश में सब जगह में अच्छा नौकरी है, क्लास को बहुत याद करता है, हमारा बच्चे लोग को मदद भी करता है। क्लासेस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये, वी टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट इक्वली, इट्स अ वेरी इंक्लूसिव क्लासेस। सो ये 90% वाले का क्लासेस नहीं है, 40% का भी है। सो मैं हमेशा सोचता हूँ जिसको 40 है और 40 से मेहनत करके 45 तक आ गया, सो वो तारीफ करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। हर एक जन पढ़ाई में इतना अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बट हर एक जन मेहनती हो सकता है, और बच्चे लोग अगर मेहनत करेगा, उसको अंदर जो टैलेंट है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेगा, और उसका जो टैलेंट और इंटरेस्ट को हम लोग एक प्रोफेशन, एक करियर के साथ कनेक्ट करेगा, उसका लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। हम वही काम कर रहे हैं इधर, बच्चे को सिखाता है, लेकिन उसके साथ आगे वो क्या पढ़ सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, उसके हिसाब से कौन सा कोर्स कर सकता है। मतलब आठवीं में एक बच्चा आता है, उसको नौकरी मिलता है तब तक हम उसके साथ रहता है। आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ आर क्लासेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हमारे पास जो पढ़ाई करता है उसमें मोर देन 60% जो स्टूडेंट्स है उसका पेरेंट्स मेरा स्टूडेंट्स है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप, मतलब एक पीढ़ी पूरी ऐसी पढ़ा चुके हैं कि वो पीढ़ी ही आपका एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आप दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास जो भी बच्चे लोग पढ़ाई करके गया वो लोग अपना बच्चे को उधर लेके आता है, तो हम लोग को इतना खुशी होता है, बिकॉज है ना, वो क्यों लेके आता है, बिकॉज उसको इधर जो एक्सपीरियंस जो मिला वो बहुत अच्छा था, और उसको लगता है मैं उसका बच्चे को भी संभालेगा। मैं ये बच्चे लोग को बोलता है आपका भी बच्चे को मैं संभालेगा, कभी कभी मैं मजाक में उसको बताता है, बिकॉज
मैं सोचता हूँ ईमानदारी से सिंसियरली हम बच्चे लोग को सिखाएगा, वो बहुत प्यार देता है और वो जब है ना, जब उसको एक हौसला देता है हम लोग, हम साथ में, वो कभी भी अपने को भूलता नहीं है. थैंकफुली दे रिमेंबर अस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सब लोग बोलते हैं बच्चे लोग बहुत बदल गया पहले का बच्चे लोग, ऐसा नहीं है. किड्स आर द सेम. आज भी उतना इज्जत देता है जितना पहला जो बच्चे लोग देता था. खाली बच्चे लोग को साथ रहना चाहिए, उसको लगना चाहिए ये हमारे साथ है. आज का तारीख में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करता है वो ये, वो बताता है बच्चा हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता है. बच्चे लोग पूरा टाइम है ना गैजेट्स में रहता है, मोबाइल्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम. सी, अगर बच्चे को हम वो कुछ बताएगा ना, सुनने को तैयार है हम लोग. इफ़ यू लिसन टू देम एंड इफ यू अप्रिशिएट देम, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होगा. हम वो खूबी ढूंढता नहीं, हम उसमें जो कमी जो है वो ही ढूंढ के उसको हाईलाइट करता है हमेशा. लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी तो होगा ना, हम उसको ढूंढेगा, वो बच्चे को अप्रिशिएट करेगा. और बच्चे लोग को जब भी तकलीफ है हमारे पास कोई भी चीज़ बताने के लिए आएगा, खाली उसको सुनने का, उसको एडवाइस का भी ज़रूरत नहीं, कोई होना चाहिए उसको सुनने के लिए. और जब ज़रूरत है लिमिट्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टू पुट. तो हमेशा एस नहीं बोल सकता हर एक चीज़ को. जब हम लोग को लगता है ये चीज़ उसके लिए अच्छा नहीं है तभी नो भी बोलना चाहिए. बट वो नो क्यों बता रहे हो उसको समझा के भी देना चाहिए. सर, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बच्चे क्यों माँ बाप की नहीं सुनते हैं या उसके पीछे का क्या कारण है. माँ बाप भी कहीं ना कहीं बच्चों की नहीं सुनते हैं, आपका मेन कहना यही है. ये तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. अब मेरा एक सवाल ऐसा है कि फर्श से लेकर अर्श तक का आपका जो सफ़र है, 12 स्टूडेंट से आपने शुरू किया था और आज 2500 स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके हिसाब से कहते हैं ना कि माल है तो ताल है, कुछ काफ़ी चीज़ें फाइनेंस होता है, ये होता है, ये सफ़र आपका कैसा रहा इन 30 सालों में? इतना आसान नहीं था, बिकॉज मुंबई में हम लोग इनिशियली जब जो आया तभी नौकरी था कॉलेज का, मुझे अभी भी याद है उधर का पगार था 4400 जो पहला जो पगार था, और क्लासेस में 600 रुपये के हिसाब से अपने को फीस था. लेकिन जब बच्चे लोग बढ़ा, जो पैसा जो मिला वो पैसा इकट्ठा करके हम लोग पहला एक छोटा सा जगह खरीदा, उसके बाद उसका अगले साल में जो पैसा आ गया उसमें फिर वापस लोन लेके और एक जगह खरीदा बाजू में. तो हम क्या किया, जो भी हमारा जो फीस आता था उसके साथ लोन्स लेके हमारे पास जो सोना सब जो था वो थोड़ा बहुत जो था वो सब गिरवी रख के. एक इंटरेस्टिंग बात बताएगा, सबसे पहला हम लोग जो जगह खरीदा वैसे में कोई भी बैंक्स हम लोग को लोन देने के लिए तैयार नहीं था. वो भी बरोबर था उसका साइड भी, बिकॉज हम लोग के पास इतना पेपर्स नहीं था जो दिखाने के लिए टैक्स का वगैरह जो भी है. वो टाइम में मुझे अभी भी याद है गोरेगांव में एक जो बैंक गए, वो बैंक ने सबसे पहला हम लोग को लोन दिया था. फिर बसेन कैथलिक बैंक ने बहुत मदद किया था, एंड देन फेडरल बैंक, ये तीन बैंक हम लोग को बहुत कुछ मदद किया वो टाइम पे, कभी भूल नहीं सकता वो लोग. फिर हम लोग एक एक जगह करके इकट्ठा करके इकट्ठा करके आज वैसे में जो एक अच्छा जगह पे अपना पूरा क्लासेस है एक साथ. तो इंफ्रास्ट्रक्चर गॉड्स ग्रेस सबसे अच्छा अपने पास, वेरी स्पेशियस क्लासरूम्स है बच्चे लोग के लिए, इनफ वॉशरूम्स, उसको जो रेस्टिंग फैसिलिटी हर एक चीज़ देने को अभी हम लोग से होता है पहला. लेकिन इतना आसान नहीं था, लेकिन एक तरफ से हम लोगों मुश्किल से आया, इसलिए अभी हमारे पास कोई भी पढ़ने को आता है जिसको फीस का तकलीफ वगैरह है हम उसका मुश्किल समझ सकता है, बिकॉज हम लोग भी वैसा ही पढ़ के आगे आया. सो वन वे इट्स गुड वी हैव कम थ्रू टफ टाइम्स, सो वी बिकम मोर हम्बल एंड काइंड. सर, आपने शुरू किया तो आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं थी क्योंकि 12 स्टूडेंट थे और आप ही अकेले ही काफ़ी थे. आज जब 2500 स्टूडेंट है तो ऐसे में आपका स्टाफ कितना क्या है और आप भी आज भी क्या फिजिकल क्लासेस लेते हैं? ऑब्वियसली मैं अभी भी सिखाता हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, सो आई टेक इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल. व्हेनेवर पॉसिबल आई मेक इट अ पॉइंट टू टेक लेक्चर्स.
because then you have a connect with the students when I take lectures. But most important, हर एक बैच में इवन छोटा सा एक अनाउंसमेंट भी है तो मैं ही जाता हूँ आज भी, हर बच्चे को मिलता हूँ. और बच्चे लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं, अंदर कोई बैठेगा तो भी वो आ सकता है. सो देर इज़ ए रिलेशन, देर इज़ ए कनेक्ट. स्टाफ है ना, आई एम वेरी लक्की, मेरे पास बहुत जन जो काम करता है 20-22 साल से मेरे साथ काम करता है. तो सबसे पहला मैं अकेले था, उसके बाद प्रसाद नाइक सर एंड गायकवाड़ सर. प्रसाद नाइक सर इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए, गायकवाड़ सर बीके, गायकवाड़ सर जो सेंट पीटर्स जो कॉलेज था उसका जो प्रिंसिपल था, अभी कोविड में गुजर गया सर. फिर दूसरा टीचर्स आए एक एक करके. तो जो टीचर्स हमारे पास आया वो टीचर्स हमारे साथ रहा, हम उसको बहुत ख्याल रखा. तो आज है जो 30 साल में जो भी जर्नी इतना सक्सेसफुल हो गया, मेरे वजह से नहीं है, मेरा टीम के वजह से हो गया. मैं अकेला कितना तक कर सकता था, दो बैच या तीन बैच या चार बैच, टीम बहुत इम्पोर्टेंट था. सो आई एम वेरी लक्की टू हैव वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड स्टाफ मेम्बर्स, एंड वो भी मेरा जैसा हो गया. बच्चे लोग बहुत प्यार से बात करना, किसी को चिल्लाना मत, उसका बात सुनना, और जब वो गलती करते उसको समझा के देना. सो आई थिंक हर स्टाफ मेंबर एक तरफ से मैं हूँ. वो उसके वजह से है ना 30 साल से क्लास इतना अच्छा चलता है. सर आपने सब कुछ बताया, अब हम आपके बहुत पीछे जाने जाएंगे. आपका वसई में एंट्री कैसे हुआ, वसई में आप किस तरह से आए, क्या यहाँ से आपका जुड़ाव था? एक्चुअली मेरा रिलेटिव्स, माय मदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे स्टेड इन वसई. सो हम गांव से इधर आया मुंबई देखने के लिए, जो सबका एक सपना था वो टाइम पे मुंबई आके देखना. तो वैसे मैं आया इधर, थोड़ा दिन रहा, तभी इधर एक कॉलेज है टीबी कॉलेज थॉमस बैप्टिस्ट, जो वैसे का सबसे अच्छा एक कॉलेज है. आज मैं जो भी हूँ उसका पहला क्रेडिट मेरा पिताजी और माँ, लेकिन उसके साथ साथ थॉमस बैप्टिस्ट कॉलेज को भी देना पड़ेगा, बिकॉज उसने एक नाम दिया मुझे, एक नाम दिया. देखो ये इंग्लिश सिखाता है सर है वो कॉलेज, इतना रेप्यूटेड कॉलेज था. तो उधर एक वैकेंसी था इंग्लिश का टीचर का, बट दैट टाइम इंग्लिश एमए लिटरेचर विथ बीएड है ना कैंडिडेट्स कम था. तो मुझे उधर मार्टिना बेकरी करके एक बेकरी है पापड़ी में, तो मेरा अंकल उधर जो प्लास्टिक का कवर सप्लाई करता था, तो उसने उसको बताया देखो मेरा भांजा आया वो एमए वगैरह किया है, और वो मार्टिना बेकरी का जो ओनर है उधर का ट्रस्ट मेंबर था. तो उसने फादर सोलोमन को बताया, तो मुझे बुलाया, और मुझे बुलाया फादर सोलोमन एंड फादर मस्केरेनिस, एंड इंटरव्यू हो गया. 5 मिनट मुझे अपॉइंट किया, उसको ज़रूरी भी था, और मुझे है ना सबसे बड़ा एक एक्सेप्टेंस भी था. देखो इतना यंग एज में इतना बड़ा कॉलेज में जॉब मिला, एक्चुअली वो जॉब मिला इसलिए सब कुछ हो गया. तो मैं वैसे में रहा, नहीं तो आई वुड हैव गॉन बैक आफ्टर ए वीक्स टाइम में वापस जाता था. सो आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू टीबी कॉलेज. सर ये हुआ आपका जो जर्नी है अभी तक कई क्लासेस का. अब साथ साथ में हम बात करें तो आप YouTube पे भी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे भी आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपना कुछ स्पीच देते हैं, और कई बार गवर्नमेंट सेमिनार में भी आप जाते हैं, तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सी बेसिकली आई टेक लेक्चर्स ऑन टीम बिल्डिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो एक कंपनी है नहीं तो एक ऑफिस है वो कैसा चलना चाहिए, उधर का एम्प्लॉयज को हैप्पीली उधर काम करने के लिए क्या क्या सुविधा उसको मिलना चाहिए, नहीं तो हाउ दे हैव टू वर्क हैप्पीली, ये सब टॉपिक्स के ऊपर मैं लेक्चर्स देता है. प्लस मैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टीचर्स का ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्पीचेस, करियर गाइडेंस सेमिनार्स, ये सब के लिए जाता है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. आई टेक लेक्चर्स, सो एवरी मंथ आई टेक एटलीस्ट 4-5 लेक्चर्स
across India nowadays. Basically, it's motivating the employees to do well and to do well happily. Officers, government officers, especially security forces, usko stress management ek important topic hai. So how to stay happily in a stressed environment, you know, where they are working. So I think sabse bada ek happiness milta hai, because aap log ka life mein happiness leke ja raha hu. Lecture ke baad they are happy and peaceful. So I would like to continue this. Sir, aapne kuch kitabein bhi likhi hai, to kya topic aapka rehta hai, kya subject rehta hai, us par aap kitab likhte ho, aur aapki kitab kahan available hai? मेरा पहला जो बुक है, बुक का नाम है वाई शुड आई वरी व्हेन आई कैन फेस द वर्ल्ड. इट्स अबाउट स्टेइंग हैप्पीली इन लाइफ. हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं रहेगा तो जितना हमारे पास है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है. वेर एज हम लोग को पता चलता है हमारा लाइफ सो ब्लेस्ड है, वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. गॉड हैज गिवन लॉट ऑफ थिंग्स. अब भी मैं आपको भी पूछेगा, हर बार हम क्या सोचते हैं, हमारे पास ये नहीं है, नहीं तो वो नहीं, हम लोग को ये तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ चीज़ होगा ना. आप भी गिन के देखेगा तो आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका ये जॉब, आप जो समाज सेवा कर रहे हो उसके लिए आपको जो तारीफ मिलता, क्या क्या कितना अच्छा चीज़ है. लेकिन हम क्या करता है, जो अच्छा चीज़ है उसके बारे में सोचता नहीं है और जो नहीं है उसके बारे में सोच के दुखी बैठ जाता है. सो बेसिकली माई अटेम्प्ट इज टू टेल एवरीवन, यू आर ब्लेस्ड एंड यू हैव टू लिव हैप्पीली इन द मोमेंट विदाउट वरिंग अबाउट यूर पास्ट और विदाउट वरिंग अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. लिव दिस मोमेंट, दैट इज द थीम ऑफ दिस बुक वाई शुड आई वरी वैन आई कैन फेस द वर्ल्ड. और उसका अमेजोन में अवेलेबल है, उसका भी फोर्थ एडिशन हो गया. वो बुक पब्लिश्ड बाई वेलनट पब्लिकेशन है, इंडिया, यूके एंड यूएस, इन थ्री कंट्रीज द बुक इज पब्लिश्ड एंड इट्स The book is helping a lot of people. That's the most important part. बहुत जनों पढ़ने के बाद उसका स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है. वही बुक मराठी में अभी ट्रांसलेट किया है डिम्बल पब्लिकेशंस ने, आनंद चपायरिया बुक का नाम है, वो भी अमेजोन में अवेलेबल है. सर एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में हम दो तीन दिन पहले हमने एक स्कूल का दौरा किया था, वहाँ पर बच्चों का साइंस एग्जीबिशन था, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत वो एग्जीबिशन था. तो क्या है कि हमारे आसपास काफ़ी प्रतिभाएं हैं लेकिन ये है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या कभी कभी माँ बाप जो है उन बच्चों पर भरोसा नहीं करते हैं. तो इस बारे में आप क्या एक माँ बाप को आह्वान करना चाहेंगे, माता पिता को, पेरेंट्स को, कि वो किस तरह से अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है आप आइजक न्यूटन ग्लोबल स्कूल, हमारा ही जो स्कूल है, उसके बारे में आप बात करते हैं साइंस एग्जीबिशन का. सी एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, वी कैनॉट कंपेयर वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड. जो गलती हम क्या करते हैं, हम अपना बच्चे को दूसरा किसी का बच्चे में ढूंढने को कोशिश करता है, विच इज़ अ मिस्टेक एक्चुअली. एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट टैलेंट, लेकिन हम लोग को ढूंढना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द चाइल्ड विथ समवन एल्स. आप देखो एक बच्चा जिसको 50% है, वो बच्चा एक टीचर मिला अच्छा जिसने उसको बताया तू भी कुछ कर सकता है, उसको सपोर्ट किया, वो 60-65% लिया, 11-12 किया, उसके बाद होटल मैनेजमेंट गया और आज शिप में काम कर रहा है, उसको पगार 1.5 लाख रुपए है. क्या वो भी डॉक्टर का जैसा ही सक्सेसफुल है ना? एक बच्चा है जो अच्छी तरफ से ड्राइंग करता था, मेरे पास ही इधर ही पढ़ाई किया, वो इतना मैथ्स में अच्छा नहीं था, साइंस में अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में जो स्कूल ऑफ आर्ट्स में गया, आज मूवी में जो आर्ट डायरेक्टर बन गया, इतना फेमस हो गया, उसका स्टूडियो है ना, इतना अच्छा लोग उधर आता है, उसको इतना रेस्पेक्ट मिलता है, वो भी सक्सेसफुल है ना. सो हम लोग थोड़ा सिलेक्टेड प्रोफेशंस लेके यही बनना चाहिए, वो गलत है. अपना बच्चे में जो खूबी है वो ढूंढो और उसको तारीफ करो, वो खूबी को पॉलिश करो. वो पॉलिश करने का काम कौन करता है? टीचर्स करेगा. और उसका जो खूबी है उसको रिलेटेड एक कोर्स उसके लिए ढूंढो. जब उसका जो स्ट्रेंथ है
उसके हिसाब से उसको एक कोर्स मिलेगा, वो करने में कितना आनंद होगा। जिसको ड्राइंग है उसको ड्राइंग का एक कोर्स मिलेगा, फैशन डिजाइनिंग करेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, कितना अच्छा हो जाएगा। जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको रिलेटेड एक करियर देगा तो कितना अच्छा होगा। माय पॉइंट इज योर चाइल्ड हैज लॉट ऑफ क्वालिटीज, आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम जब तक वो बड़ा नहीं होता है आप साथ देना पड़ेगा। देखो ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए वो बताना भी पड़ेगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे को लगना चाहिए आई एम गुड। हमारे आप बच्चों को आप देखो किसी को भी नहीं लग रहा है आई एम गुड, बिकॉज हम लोग बार बार उसमें जो कमी है वही उसको समझाने की कोशिश करता है ना, तू पढ़ता नहीं है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम्हारा मार्क्स इतना, तू लोग के साथ बराबर बात नहीं करता है, हर एक में है ना कमी ढूंढने को कोशिश कर रहा है। जब बच्चे को लगेगा आई एम गुड देन ही विल बिकम रेस्पॉन्सिबल। सो वॉट वी डू इन कार्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मेक आवर चिल्ड्रेन रियलाइज दे आर गुड, दे कैन डू एज गुड एज बेटर एज एनी वन अराउंड देम। वंस वी डू दैट दे आर वेरी थैंकफुल। तो सर ने कई अच्छी अच्छी बातें भी कही, आपने सब सुना है सर की बातों से। अभी जो हाल ही में एक मूवी ट्रेंड कर रही है उसका हमको थोड़ा सा ध्यान में आया है कि मूवी है 12th पास, वो हर एक को देखना चाहिए। उसी में इसी तरह की कुछ जो सर ने अभी बात कही है कि हर एक बच्चे में एक क्वालिटी होती है, तो 12th पास मूवी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया कि एक स्टूडेंट होता है वो 12वीं भी फेल होता है लेकिन बाद में वो एक IAS ऑफिसर बनता है। तो जहाँ एक तरफ जुनून जरूरी है, जुनून जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ फैमिली का सपोर्ट और फैमिली को जो बच्चा अपनी जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के लिए उसको मोटिवेट करना जरूरी है। हमने 3 Idiots पिक्चर भी देखा था आमिर खान का, उसमें भी कुछ वैसा ही मैसेज था। और उस समय के तत्कालीन जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने उस फिल्म के उस बेसिकली बेसिक पॉइंट को उन्होंने काफ़ी सराहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम मुलाकात कर रहे थे शिव सर से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा भी रहा। और कहीं ना कहीं ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ कई बार हमको अपने बच्चों को सपोर्ट करना होता है लेकिन गलतीवश हम उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको सुना देते हैं। तो हमको इस चीज़ों पर कि उसको कहाँ सपोर्ट करना है, हाँ निश्चित ही अगर वो गलत लाइन पर है तो उसको रोकना ज़रूरी है। माँ बाप का, पेरेंट्स का ये कर्तव्य दायित्व है, अगर वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है या किसी और ऐसी बुरी आदत की तरफ बढ़ रहा है तो उसको रोकना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं चुनकर दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहता है तो वहाँ हमको उसकी प्रतिभा को खोजना चाहिए और प्रतिभा को खोज कर उसका साथ देना चाहिए। ये आज के शिव सर के इस पूरे मुलाकात का एक अच्छा हम बिंदु निकला। हमने शिव सर से बात की, शिव सर का पूरा 30 साल का जो इनका जर्नी है उसके बारे में जानकारी दी, कैसे ये इन्होंने जैसा इन्होंने बताया तो अंदाज़ा लगा सकते कि सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से मुंबई में क्लासेस करूँगा। ये आए थे सिर्फ घूमने, गांव से यहाँ आए घूमने, यहाँ इनके रिलेटिव थे और बातों बातों में बात निकली। एक कॉलेज ने इनकी एजुकेशन देखकर इनको इनको तुरंत अपॉइंट किया और जहाँ इनका एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो इनको लगा कि अब मेरी जर्नी यही है। और आज 30 साल से वसई में यहाँ हमने अभी यहाँ के लोगों से बात की तो किसी का यह कहना है कि कार्मल क्लासेज आज उनके लिए एक लैंडमार्क हो गया है। तो कार्मल क्लासेज उनके लिए लैंडमार्क हो गया है, एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं कार्मल क्लासेस को 30 साल पूरे होने के लिए हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। प्रसाद चिरावरी सर, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी है, उस हिस्से से कार्मल क्लासेस ने अपने 30 साल पूरे किए हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप? 30 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है और जब से सोसाइटी का शुरू हुआ है तब से शिबू सर यहाँ हमारे साथ है। और एक बात तो क्लियर है कि उनका जो पॉपुलैरिटी है इतने साल से वो हैं और उनका जो स्वभाव हम लोग ने देखा है बहुत ही बढ़िया हमारे साथ उनका संबंध रहा है। और मतलब उनके लिए शब्द ही कम है हमारे लिए कहने के लिए, कितने भी कहें तो भी बहुत कम रहेंगे। इतना सौम्य स्वभाव है उनका, हम लोग ने देखा है कि सबके साथ मिलजुल के वो रहते हैं। और उनके एस्पेशली उनका क्लासेस इधर होने की वजह से विश्वकर्मा सोसाइटी को एक नाम हो गया है, मतलब विश्वकर्मा सोसाइटी का अस्तित्व लिटरली कार्मल क्लासेस हो गया ऐसा लगने लगा है। ये इतना उसका
प्रभाव हुआ है हमारे ऊपर, हमारे बिल्डिंग का क्या कहते हैं उसको, एक लैंडमार्क, एक लैंडमार्क जैसा समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग जब हमारे एड्रेस में लिखते हैं नियर क्लास कार्मेल क्लासेस लिखते हैं, विश्वकर्मा कहाँ है तो कार्मेल क्लासेस जहाँ है वहाँ है, ऐसे ऐसे हमारा ये है। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि जैसा आपका उनका सफर रहा है अब तक का, बहुत ही सुंदर, और इसी तरीके से आगे वो तरक्की करे, और हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ है। जब शुरू होगा तब वो कहाँ थे नहीं मालूम, आज तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके आसपास कभी ऐसे माहौल होते हैं, आपको कैसा फील होता है जब आपको लगता है कि आपके बीच का जो बंदा है वो इतना आगे तक जा चुका है, आपको कैसा फील होता है? कहीं तो भी ऐसा लगता है कि हम भी उनके सक्सेस में एक सहभागी हैं, ऐसे लगते हैं। मतलब आइडियली तो हम लोग उनके साथ है, मतलब उनका ग्रोथ बहुत बहुत ही एक्सपोनेंशियल रहा है, और कम समय में, और विदाउट एनी क्या कहते हैं ना, तामझाम कोई नहीं है, एकदम शांति से उनका चलते रहा, और कब 30 साल गुजर गए समझ में नहीं आए, ऐसा सिचुएशन। थैंक यू। नाम? मैं जोसेफ मिनेजिस, मेरा इधर शॉप है, मेरा पहला होटल था चाइनीज रेस्टोरेंट, मैं होटल चलाया बाद में, अभी मैं भाड़े पे दिया, और मैं तभी से मैं चेयरमैन हूँ, था अभी एक चेयरमैन, मैं जोसेफ मिनेज। तो जब से हम शिबू सर को पहचानते हैं, शिबू सर इज़ वेरी जेंटलमैन, हॉनेस्ट, एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी है, और उनके वजह से सोसाइटी में कभी तकलीफ नहीं हो गया, उनका सोसाइटी में उनका बहुत सारा हेल्प ही हो गया। तो हम लोग शिबू सर के लिए हम लोग ऑलवेज उनके लिए प्रेस करते हैं कि उनका और भी आगे बढ़ते चले, और उनके वजह सोसाइटी का भी अच्छा नाम खासा होते गए। 30 साल हुए, आप अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहिए? शुभकामना शिबू सर के लिए ऑलवेज हम लोग प्रे करते हैं, मैं पहले ही बोला कि शिबू सर का कभी भी, उनका तो कभी बैड पैच उनको आया ही नहीं, पर जब भी उनके अच्छे वक्त में उनका बुक का सेलिब्रेशन हो गया या उनका और भी कुछ सेलिब्रेशन कभी भी होता है, तो हम लोग उनके साथ में रहते हैं, और उनके हम लोग बेस्ट विशेस ऑलवेज है हमारे। सर आपका नाम? कार्तिक शाह। आपका क्या प्रोफेशन क्या है? सो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई हैव माय ऑफिस एट वसई, आई एम आल्सो हैविंग वन कंसल्टेंसी अरेंजमेंट विथ वन ऑफ द कंपनीज इन सांता क्रूज, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपकी सर आपकी स्टडी की जर्नी कहाँ से? सो स्टडी का जर्नी स्टार्टेड from 2013 in 9th standard when I came first to Carmel classes, then 10th standard 2014 I was with Carmel classes, I 96.8% I got in 10th standard, uske baad I decided to become chartered accountant, I went to the junior college Narasimha Munji College which is in Ville Parle, I completed TY BCom in 2019 and then gave my CA final in 2020 and I qualified with All India rank 15. Carmel ko 30 saal ho gaye, kya kehna chahenge aap, yahan se padhe nikle ho, aapko kaisa feel hota hai? So I will put it in this way ki the base for the education or future journey was set up by Carmel classes, so it has indeed been, you know, a fulfilling journey, right? Jo classes ka support from the teachers, from Shibu sir and everyone was indeed very helpful to ensure I get good marks and set a base for the future studies. Sir, aapka naam? Mera naam Dr. Kaustubh Augustine hai. Aap Carmel classes ke ex student hai, physiotherapist hai. Carmel classes ko is samay 30 varsh pure ho gaye. क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा था स्टडी का और आपको कैसा फील होता है? बहुत आनंद हो रहा है सुनने में कि 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था 10वीं में, फिर 10वीं 11वीं 12वीं है, इसे हुई है, तो ये एक ऐसा मिनी कॉलेज मिनी फैमिली जैसा बन गया है, मतलब जो भी है जहाँ पे अपने को बहुत सीखने मिलता है, स्पेशल अटेंशन मिलता है बच्चों को, फिर एक मिनट बॉस अटक बोला, अच्छा 8-12 या तो जो भी स्पेशल स्टूडेंट्स है, अचीवर्स है, उनके लिए सेपरेट बैच रहती थी, उसमें एक्स्ट्रा केयर रहते थे, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, बाहर से टीचर्स मंगवाते थे हमारे लिए, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई है। इसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी नायर हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है कोर्स, और अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हूँ, GMC जलगांव। कैसा फील हो रहा?
बहुत अच्छा लग रहा है कि 30 साल हो गए, और वैसे ही मैं ऐसा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को ये सब फैसिलिटीज मिल सकती है कि मुंबई जाना ना पड़े। आप एक यंग है और अचीवर है, यहाँ से पढ़े और यहाँ निकले, आज जो नए लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या एक विशेष अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहिए? ऐसा एक अच्छा क्लास है वसई में कि आपको वसई में रहते हुए ही कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि 11th 12th क्रूशियल पीरियड होता है प्रिपरेशन के लिए, उसमें अगर आप ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करेंगे तो इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे कैसा सब फैसिलिटीज मुंबई से आती है फैकल्टीज, तो वो अच्छा पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप देखिए। और ये अच्छा क्लासेस है। आपका नाम? माय नेम इज आकाश सालकर। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ वसई से, बट करेंटली आई एम इन नायग्रा फॉल्स ऑन्टारियो, दैट्स इन कनाडा। क्या प्रोफेशन में है और आपका स्टडी का जर्नी कहाँ से? सो मैं करेंटली एक इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ, विच इज फॉर स्कूप इंश्योरेंस, वो वेलेंड में है, नायग्रा फॉल्स में ही है। मेरी जर्नी 2008 में स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड हियर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड एंड आई वाज कंप्लीटली हियर टिल माय 12th स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट I went to college, but due to that, I had a very much more base, which was set up by Carmel Classes. Carmel Classes ने मुझे बहुत अच्छा एक start build करने दिया, जिसकी वजह से मुझे एक आगे career में बहुत सारी opportunities मिली, और उसका मैं हमेशा thankful रहूँगा। Carmel Classes को 30 साल पूरा हो गए, क्या कहना चाहेंगे और क्या अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? Firstly, heartiest congratulations. इतना time एक पर्टिकुलर सिटी को वही लेवल ऑफ वही कंसिस्टेंट एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है, और कार्मेल क्लासेस आई वुड से व्हिच इज वन ऑफ द नीश ऑर्गेनाइजेशंस हु डेफिनेटली लुक्स इनटू एक करियर और एक बच्चे को एक गाइडेंस देने के लिए, आगे चल के बच्चे को नर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विश देम टू कंटिन्यू द जर्नी विद द सेम फोर्स एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि मैं वहीं पे मैं बचपन से कार्मेल क्लासेस को देखता आ रहा हूँ, तो जिस तरीके से वो बच्चों को बहुत सपोर्टिव और बहुत केयरिंग वे में उन्होंने ट्रीट किया है, तो वो कार्मेल क्लासेस एक बहुत सी छोटी सी क्लास हुआ करती थी, मतलब एक या दो शॉप्स के अंदर वो क्लासेस थे, और आज वो इतना जो बड़ा हो गया है कि एक पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उसका राज यही है कि वो बच्चों को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में सिखाते हैं, बहुत ही केयरिंग वे में लेते हैं। जैसा कि एक माँ बाप अपने बच्चों का केयर करते हैं, वैसे वहाँ पे केयर किया जाता है, तो वो ही शायद एक है। और जैसे कि हमारे जो शिबू सर है, उनका जो नेचर है, जो सबको हेल्प करते हैं, तो उनको ऊपर वाला हेल्प करता है। बस यही बोलूँगा कि इसी वजह से कार्मेल क्लासेस आज इतना ग्रो हो गया है, और हमको बहुत दिल से खुशी है उस बारे में। शुभकामनाएं में तो ऐसा है कि ये कार्मेल क्लासेस आज जो एक बिल्डिंग है वो हजारों बिल्डिंग बने, और हमारे जो शिबू सर है वो मतलब पूरे इंडिया में ऐसे जाने जाए कि हाँ भाई शिबू सर टीचिंग के लिए इज द बेस्ट। एफन्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।